हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश में शिक्षा क्रांति के नए मॉडल आ गए हैं। आजकल चुनावी एजेंडे में भी नई शिक्षा नीति के साथ नौजवानों की जिंदगी बदल देने के वादे किए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में मोबाइल टावर नहीं, लेकिन वहां इंटरनेट क्रांति का सपना दिखाया जाता है। नई शिक्षा नीति में कृत्रिम मेघा से लेकर चैट जीपीटी और डीप फेक की बातें धड़ल्ले से की जाती हैं, लेकिन अध्यापक अपने पुराने बिंदुओं को कक्षाओं में व्यर्थ होता देखकर इस नई उपलब्धि से आंख बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसीलिए आज भी इन विद्यालय परिसरों में कला संकायों और विज्ञान की शिक्षा लेने वाले अधिक हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उन्हें परहेज है, क्योंकि अध्यापक भी इस नई विद्या पर अज्ञानता से सिर खुजाते नजर आती हैं। पुराना सूत्र है, बिन विद्या नर पशु समान। अब बताइए कौन सी विद्या प्रग्राप? यह सॉफ्टवेयर डिजिटल विद्या या वही कला विज्ञान या पाठ्यक्रम वाली तोता रटंत शिक्षा। बेशक देश आजाद हुआ तो शिक्षा क्रांति की घोषणा कर दी गई थी। कहा गया था कि देश में कोई पढ़े लिखे बिना नहीं रहेगा। पढ़ाई का प्रमाण पत्र और डिग्रियां हर बच्चे के हाथ में होगी। वे नौकरी के लिए कतार लगाकर बरसों इंतजार नहीं करेंगे। मगर वास्तविकता यह है कि शिक्षा बदले माहौल में फिसड्डी साबित हो रही है और रोजगार के दफ्तरों के बाहर धूल फांकता यौवन अब रियायनी दुकानों के बाहर खड़ा है। हालात कुछ इस कदर बदले हैं कि नौजवान पढ़ लिखकर इनके नौकरी दिलाऊं दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय ठेके पर विदेश भिजवाने के संदिग्ध दफ्तरों के बाहर मोर्चा जमाए हैं। नई शिक्षा नीति रोजगार परक है, मगर लाखों लोगों ने भारतीयता छोड़ने की अर्जी दी है। केवल विशिष्ट सेवा से ही लोग एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। शेष लोग यहाँ अनुकंपा की आशा में नशे की अंधी गलियों में चक्कर लगाते हैं। उधर कोई नहीं पूछता कि इतने लोग रोजी रोटी की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश कैसे पहुँच गए। अवैध रूप से वहाँ पहुँचे लोग दोयम दर्जे के असामान्य प्रवासियों के रूप में वहाँ पहुँचे लोग दोयम दर्जे के असामान्य प्रवासियों के रूप में जीवन जीने के लिए तैयार है, लेकिन अपने देश में अव्वल दर्जे का नागरिक बन जाने के लिए प्रस्तुत नहीं। पैराग्राफ। दरअसल वहाँ अव्वल दर्जे का नागरिक बनकर जीने का अर्थ है रोजगार मेलों में नौकरी मांगने के लिए भटकते रहना,
फिर हास्यास्पद वेतन पर काम करने के लिए हामी भरना, मनरेगा के नाम पर ऐसी दिहाड़ियों को सिर माथे पर लेना जो नौकरी करते हुए भी भुखमरी की सौगात दे सकें, नई शिक्षा नीति से देश को रोजगार परक तरक्की देने के निरंतर दावों के बीच यह देश भुखमरी सूचकांक में कुछ पायदान नीचे क्यों उतर गया? जो भूख से मरे उनमें पढ़े लिखे कितने थे और अनपढ़ कितने? भूख से आई मौत तो शिक्षित अशिक्षित का अंतर नहीं करती, पढ़ा लिखा काम करने के लिए न जाने कब से तैयार बैठा है और उसे कैसी सलाहें दी जा रही है। पैराग्राफ, जिन शिक्षालयों में सरस्वती की पूजा होनी चाहिए वहां पूजक नदारद होते जा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द आइलेट्स अकादमियां कुकुरमुत्तों की तरह उग आई हैं, वहां पढ़ने वालों की नहीं विदेश भाग सकने वालों की भीड़ लगी है। ऐसे विशेषज्ञ मिल जाते हैं जो बताते हैं कि मान्य पलायन के लिए अपेक्षित बैंड न भी मिले तो उन्हें प्रदेश भिजवा दिया जाएगा। यह दीगर बात है कि अमेरिका या विलायत जाने के बज अरब और अफ्रीकी देशों में पहुंचा दिया जाए। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप।